रिया चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती का कौन सा प्रोजेक्ट है, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट उन्होंने पहले किए जो अब रिलीज होने बाकी हैं। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद रिया जो है लगातार चर्चा में है। उन्होंने चेहरे नाम की एक फिल्म की और उसके बाद जो है वो साउथ में काम की तलाश कर रही हैं। फिल्म के जो उनकी फिल्म थी चेहरे, उसके पोस्टर में, ट्रेलर में रिया को शामिल नहीं किया गया। बॉलीवुड ने दावा किया कि रिया को काम देंगे, लेकिन उनको काम की तलाश के लिए जाना पड़ा साउथ। ऐसे में रिया को बिग बॉस 15 भी ऑफर हुआ है, लेकिन रिया के लिए जो उन्होंने काम किया है, अब उनकी फिल्म के डायरेक्टर उनके काम से बहुत खुश हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ रूमी जाफरी की, जिन्होंने रिया को फिल्म चेहरे में डायरेक्ट किया। वो सुशांत और रिया के साथ एक फिल्म भी करने वाले थे। तो रूमी ने हाल ही में द टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा, मैंने इसे थिएटर्स में रिलीज करने के बारे में सोचा था, लेकिन जिस तरीके की हालत है, अगर प्रोड्यूसर OTT पर रिलीज करना चाहता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपने प्रोड्यूसर के डिसीजन में साथ दूंगा। तो इस तरह की बात जो है रूमी ने कही। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि रिया को आपने जानबूझ के प्रमोशनल मटेरियल में शामिल नहीं किया है, तो जिस पर वो कहते हैं कि ये फिल्म अमिताभ बच्चन की है और अमिताभ बच्चन के लिए ही लिखी गई है, लेकिन अगर मैं बात करूँ रिया की, तो रिया इस फिल्म में पूरी तरीके से है और उनका बहुत ज़्यादा काम है, और सबसे बड़ी बात, रिया ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। यानी कि उनका ये कहना है कि इस फिल्म के बाद रिया का करियर बदल सकता है और रिया बहुत आगे जा सकती है, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। हालांकि अब ये देखना होगा कि क्या वाकई में रिया की अगर फिल्म चेहरे हिट भी हो जाती हैं, तो उन्हें बॉलीवुड में वैसा ही काम मिल पाता है जिस काम की उम्मीद वो कर रही हैं और जिस काम के मिलने का दावा जो है रूमी जाफरी कर रही हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि रूमी ने ये बात कही है कि रिया ने बहुत ही अच्छा काम जो है इस फिल्म में किया है, तो इनसे इंतज़ार करना होगा। हालांकि फिल्म जो है, अगर मैं गलत नहीं, तो मार्च में रिलीज होने वाली थी थिएटर में, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से नई गाइडलाइंस आई, इस फिल्म की रिलीज को भी जो है आगे पोस्टपोन कर दिया गया है।